बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अयोध्या से सांसद हैं अधीश प्रकाश जी, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? ये बजट जो मोदी साहब की सरकार है और यूं तो अल्पमत की सरकार है, जोड़ गांठ के बनाई गई है। इस सरकार को बचाने का, कुर्सी बचाने का बजट है और करीब करीब देश के अन्य राज्यों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकिन आने वाले दिनों में ये महंगा पड़ेगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना कि सबके लिए बजट है। नो नो नो, ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक बजट है, किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। जो कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए बजट है, कृषि के उत्पादन बढ़ाने के, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, तो क्या कहते रहे, देश ने सुना है और देश ने उसका नतीजा भी दिया है, अब उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। डेढ़ घंटे तक भाषण दिए हैं, ठीक है, जो लिखा पढ़ा था वही बोली है, तो उसमें तो बोलने में पढ़ने में टाइम लगेगा ना। एक में से कितने नंबर देंगे आप? दस नंबर में से कितने नंबर देंगे आप? जब बजट पूरी तरह निराशाजनक है और कुर्सी बचाने वाला है, सरकार बचाने वाला है, तो 10 नंबर में 0/0। अयोध्या के लिए भी कुछ खास नहीं है? कुछ नहीं है, आप सुने नहीं क्या? देखिएगा, अयोध्या के लिए नहीं है। जहाँ से पूरा राजनीति किया है, जहाँ से व्यापार किया है, जहाँ से देश में, लेकिन अयोध्या के लोगों ने तो चुना ही नहीं ना बीजेपी को। बीजेपी का अयोध्या से अब शुरुआत हो गई है, बीजेपी का सफाया करने का। ये कम जब पूरे देश से इनका सफाया हो जाएगा। ये थे सपा से अयोध्या से सांसद अधीश प्रकाश, संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।